इन्फोर्समेंट दरोगा का आज का टॉपिक नंबर 21 हम करेंगे। यह टॉपिक्स आपको दो दिनों के अंदर करने हैं। अभी तक हम लोग 20 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और 20 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जो हमारा स्टेटस है सिलेबस का, हमने साइंस कंप्लीट कर लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो है आज आखिरी टॉपिक आपको मिलेगा, इसके बाद जो है साइंस कंप्लीट हो जाएगा। इधर हम हिस्ट्री में जो है हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, अभी मेडिवल कर रहे हैं और एंशियंट का हमने थोड़ा बहुत हिस्सा किया था। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आज के एपिसोड के बाद समाप्त हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी बचता है हमारे पास। और जो है जो मेन पोर्शन है आपको करंट के ऊपर काम करना है। आप लोगों ने स्टैटिक पोर्शन को काफ़ी अच्छे से कर लिया है और आज के एपिसोड में जो है हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी जो इम्पॉर्टेंट है उन सबको शुरू करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ज़्यादा पोर्शन जो है वो करेंट अफेयर्स से आता है, तो हम आपको क्वेश्चन के थ्रू उनको प्रिपेयर करवा देंगे। इसके बाद जो है हम रिविजन क्लास स्टार्ट करेंगे और रिविजन में जो है हमें फास्ट ट्रैक में इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना है और फिर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। उसके बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जो लोग फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, इसको निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी जो है बिल्कुल ऑन द ट्रैक है। तो चलिए आज का जो है होमवर्क लेते हैं। आज हिस्ट्री में हम करेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो है यह चार वंश में आपको पढ़ना है, जैसे कि संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अरावीडु वंश। आपको जो है संगम वंश जब आप करेंगे तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट दिखाई देगा हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर दो, देवराय वन और देवराय टू। कृष्ण देव राय जो है यह बहुत ही पॉपुलर प्रसिद्ध राजा थे, वो तुलुब वंश के थे। यह प्रश्न डायरेक्टली पूछ लेता है तो आपको कृष्ण देव राय से संबंधित सारे तथ्यों को देखना होगा अच्छे से। उसके बाद जो है आपको इस चैप्टर में दिखाई देगा कि कृष्ण देव राय जो है उनके कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। जैसे कि आप एक बहुत प्रसिद्ध है प्रश्न जो आता है हमेशा, बाबरनामा जो पुस्तक है उसमें विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख भी मिलता है। तो कृष्णदेव राय आप समझ लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण जो है शासक थे, उन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट्स कर रहे हैं हम और आज महाद्वीपों में जो है लेंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो कि दक्षिण अमेरिका है, इसमें आपको सब जगह करना है सर्वोच्च बिंदु क्या है, आपको जितने भी हैं सर्वोच्च बिंदु, निम्नतम बिंदु, विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है, तो वह कोटोपैक्सी में है एंडीज पर। इसी तरह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो लापाज है। लापाज कहाँ है, बोलीविया में। तो आपको जो है इसमें सारे फैक्ट मिलेंगे। जब भी आप ज्योग्राफी करें तो आप साथ में एक एटलस जरूर लेकर रखें। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ऑक्सफोर्ड का एटलस दें, उसमें जो है डेटा बहुत ही प्रिसाइज और बहुत एक्यूरेट दे रखा है। ऑक्सफोर्ड का एटलस आप लेकर पढ़िएगा, तो साथ में ल्यूसेंट के साथ एटलस को कंबाइन करके पढ़ने से जो आपका कॉन्सेप्ट है काफ़ी इजिली कवर हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला टॉपिक हम ले रहे हैं पॉलिटी में निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है यह इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन से जुड़े आपको सारे तथ्य जो है पता होने चाहिए, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के कौन से भाग में जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है, तो यह मिलता है भाग 15 पार्ट 15 में। उसके बाद जो है आपको निर्वाचन आयोग में दिखाई देगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत है, क्योंकि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन वर्ष भी है। जैसे कि ईवीएम जो है सबसे पहली बार कहाँ पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था, यह आपको इसमें दिखाई देगा ल्यूसेंट की किताब में। उसके बाद जो है कौन से वर्ष से जो है आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा, आपको यह भी फैक्ट पता होना चाहिए। इस चैप्टर को आप अच्छे से कीजिए, इससे प्रश्न बिल्कुल जो है एक सुनिश्चित है। अगला टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स हम जो आज से शुरू कर रहे हैं। हमने पहले भी इकोनॉमिक्स किया था, पर इकोनॉमिक्स को जो है प्रायोरिटी के हिसाब से हम अभी देखेंगे, ताकि हमसे इससे भी कोई प्रश्न नहीं छूटे। इकोनॉमिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम करेंगे। आज आपको करना है उत्पादन फलन,
उत्पादन फलन जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यह पेज नंबर 148 से 150 में मिलेगा। आपको कॉब डगलस उत्पादन फलन दिखाई देगा। कॉब और डगलस जो है दो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या किया था कि यह दिया था, प्रतिपादित किया था, यह आपको इसमें दिखाई देगा। उसके बाद आपको जो करना है वो करना है मुद्रास्फीति, जो कि इन्फ्लेशन है। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है हमारी हमारी इकोनॉमी पर, और साथ में आपको इसमें जो है इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, डिफ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन, यह जो है आपको इस चैप्टर में दिखाई देगा। चलन स्फीति किसे कहते हैं, साख स्फीति किसे कहते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आपको जो है कुछ प्रमुख पुस्तक और अर्थशास्त्रों के द्वारा, शास्त्रियों के द्वारा जो लिखे हुए पुस्तक है उनके नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे वेल्थ ऑफ नेशन जो है पुस्तक किसने लिखी थी, वेल्थ ऑफ पुस्तक जो है वो लिखी थी एडम स्मिथ ने। इसी तरह हाउ टू पे फॉर वॉर ये किसने लिखी थी, तो इसने ये लिखी थी केन्स ने। तो पुस्तकों के नाम भी डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। उसके बाद जो है बायोलॉजी का जो हम आज टॉपिक ले रहे हैं, आखिरी टॉपिक है विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। वैसे हालांकि हम स्पीडी से यह कर चुके हैं, फिर भी इसको हम रिविजन मोड में कर रहे हैं। तो जो है इस चैप्टर में आपको पता होगा कि पता चलेगा कि होरोलॉजी से क्या समझते हैं आप, होरोलॉजी कौन सा विज्ञान है। तो यह समय मापने वाला विज्ञान है, समय मापने वाला विज्ञान को होरोलॉजी के नाम से जानते हैं। यह महत्वपूर्ण है, काफ़ी जो है परीक्षा में आता है यह। फिर आपको जो है इसमें दिखाई देगा, पूछ लेगा कि मॉर्फोलॉजी से क्या समझते हैं, ऑप्टिक्स से क्या समझते हैं, न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है। तो इसमें आपको ये सब चीज़ देखा, बिल्कुल रट जाइए इसको, इससे प्रश्न तो बिल्कुल सुनिश्चित ही है, क्योंकि जैसा फैक्चुअल नेचर एग्जामिनेशन का, अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आप एक अलग से कॉन्फिडेंट होकर एग्जामिनेशन में उतरेंगे। अगला जो टॉपिक है जीके में आज हम करेंगे भारतीय परमाणु अनुसंधान और उनके जो है विकास के प्रमुख केंद्र। जैसे इसमें आपको दिखाई देगा बार्क के बारे में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है यह कब स्थापित हुआ था, यह आपको इसमें दिखाई देगा। फिर बार्क के जो है परमाणु रिएक्टर कौन कौन से हैं, उनका निर्माण वर्ष क्या था और उनकी क्षमता कितनी थी। जैसे अप्सरा की बात करें, अप्सरा रिएक्टर जो है यह 1956 में बना था और इसकी क्षमता कितनी है, 1 मेगावाट। इसी तरह आपको इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR, इसकी स्थापना के बारे में पता होना चाहिए, इसके प्रमुख कार्यों के बारे में पता होना चाहिए। यह जीके का एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपको करना है, जैसे हम कर रहे हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आज हम लेंगे मई, फरवरी से हम कर रहे हैं, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, आज है मई करना है आपको। मई में जो है महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे कि विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस कब मनाते हैं, वर्ल्ड फैमिली डे, या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात नहीं कर रहे हैं हम, विश्व परिवार दिवस की बात कर रहे हैं, तो 15 मई को मनाते हैं। उसी तरह आपको विश्व तंबाकू रोधी दिवस, यह इंपॉर्टेंट है। फिर जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाते हैं। तो ये सब आपको देखना है। अगला टॉपिक जो है स्पीडी जीके का है और आज हम स्पीडी जीके में लेंगे रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम तथा रासायनिक नाम एवं सूत्र। यह तो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे आप तो रट जाइए, इसको प्रश्न बिल्कुल आना है, सुनिश्चित है, क्योंकि यह केमिस्ट्री का पार्ट है और जो है जो सूत्र और रासायनिक नाम यह पूछते ही पूछते हैं। जैसे कि व्यापारिक नाम अगर आप देखेंगे तो बेकिंग सोडा, आपने कई बार प्रश्न देखा होगा, बेकिंग सोडा जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो वह है सोडियम बाइकार्बोनेट। आपसे फिर पूछ लेगा कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो वह है NaHCO3। और ऐसा नहीं कि इन्फोर्समेंट दरोगा में ही यह इंपॉर्टेंट है, BPSC के लिए जो तैयारी कर रहे हैं इस चैप्टर से तो प्रश्न रहता है, आपको इसको बिल्कुल रट जाना चाहिए। जैसे कि सिंदूर, ये कई बार पूछता है, सिंदूर का जो है केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नेम क्या है, तो यह है मर्क्यूरिक सल्फाइट। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है HG। HG जो होता है वो मर्क्यूरी का सिंबल है और एस फॉर सल्फाइट। अगला जो टॉपिक है भारत का भूगोल में, हम भारत की नदियां फिर से करेंगे टॉपिक, जल्दबाजी नहीं है हमको, इंडियन ज्योग्राफी को
अच्छे से समझ काबू करना है, इसको एटलस के साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे आप। हम बार बार आपसे कह रहे हैं एटलस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड का एटलस आप खरीद सकते हैं, ऑक्सफोर्ड का एटलस जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उससे आपको भारत की नदियां जो है ल्यूसेंट और क्राउन जो भी आपको लगे दोनों को मिलाकर एटलस के साथ इसको आपको जिस चैप्टर को करना है काफ़ी अच्छे से समझिए कहाँ किस नदी का उद्गम स्थल है और कहाँ पर यह गिरती है, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ कौन सी है और कौन सी जो है अरबियन सागर में, अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं। उसी तरह आपको जो है ब्रह्मपुत्र तंत्र, गंगा तंत्र, सिंधु घाटी तंत्र, तो ये सब चीज़ें पढ़नी है, प्रायद्वीपीय नदी पढ़नी है, यह आपको चैप्टर में दिखाई देगा और एवरग्रीन चैप्टर है और बहुत इससे प्रश्न जो है कन्फ्यूज़ भी किए जाते हैं, तो समय देकर आपको इसको पढ़ना है। इसके बाद जो टॉपिक है करंट टॉपिक प्रतियोगिता दर्पण जनवरी का हम कर रहे हैं इसमें आज, अभी तक जो करते हैं हमारे 2019 का रिवीजन कर रहे हैं, 2019 में जो भी हैपनिंग्स हुए हैं घटना घटने हम उनको प्रतियोगिता दर्पण जनवरी के घटना चक्र तरह से दिया हुआ है उसको हम कर रहे हैं, और आज हम इस सीरीज में कर रहे हैं पुरस्कार और सम्मान करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है पुरस्कार सम्मान से एक प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, आप एग्जामिनेशन देंगे मई में और तो आप समझ लीजिए कि आपको 2019 से लेकर 2020 तक में जितने पुरस्कार और सम्मान है पूछा जाएगा, बेसिकली 2019 में जितने पुरस्कार हैं वह तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इसको इस टॉपिक को आप बिल्कुल कहीं नोट डाउन कर लीजिए, नोट करके इसको 4 से 5 बार रिविजन तो बिल्कुल कहीं कर जाइए, सोचिए कि आपको रटना है और इससे जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जब आप इसको करेंगे तो आपको सबसे पहला जो है दिखाई देगा भारत रत्न 2019 में किसे दिया गया। भारत रत्न जो दिया गया था वो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया था, यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान। उसके बाद गांधी शांति पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार जो है वह किसे दिया गया, बुकर प्राइज के विजेता कौन है, नोबेल पुरस्कार कौन किसको दिया गया, रामन मैक्सेसे पुरस्कार जो है वह किसे दिया गया। बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण आपको इसमें पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल दोनों पे इसमें दिखाई देंगे, तो इसको अच्छे से कीजिए, इससे प्रश्न बहुत बनता है। हम प्रैक्टिस सेट में आपको कोशिश करेंगे जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब आपको प्रोवाइड करें जिससे कि आपका रिविजन अच्छा हो सके। और जो अगला टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक है आज के हमारे एपिसोड का, प्रतियोगिता दर्पण फरवरी हम कर रहे हैं उसमें आपको करना है आज खेलकूद। खेलकूद जो है आपको यह पेज नंबर 40 से 42 में दिखाई देगा, जैसे आपको इसमें दिखाई देगा कि वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियन कौन बनी है, तो वो बनी है ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी, वह जो है बनी है विश्व रैपिड शतरंज की चैंपियन। इसी तरह आपको जो दिखाई देगा कि ये जो है लक्ष्य सेन कौन है, लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, लक्ष्य सेन का जो है संबंध वह है बैडमिंटन से, इन्हें भारत का जो है तेजी से उभरता हुआ बैडमिंटन खिलाड़ी कहा जा रहा है अभी तक, इनकी एज जो है वह है 18 साल। तो आपको इसमें यह दिखाई देगा, फिर क्रिकेट से आपको दिखाई देगा कि कुलदीप यादव जो है 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो ऐसे फैक्ट्स आपको इसमें दिखाई देंगे, 2 पन्नों का है, आपको इसको अच्छे से करना है। इन टॉपिक्स के ऊपर आपको प्रश्न 2 दिन के बाद मिलेंगे, 2 दिनों के अंदर आपको टॉपिक करना होगा, और आप बिल्कुल याद रखिए कि आपका जो लक्ष्य है वह मई में काफ़ी कम दिन है, बस मई तक आपको ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करना है, सब कुछ भूल जाना है, पढ़ाई में लग जाइए, जितना पढ़ाई करें जितना फोकस बढ़ा के रखें, आपको बस याद रखना है जो मई में आपको परफॉर्मेंस देना है वही आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। मई की बात है, उसके बाद प्रीलिम्स के बाद आप मेंस की तैयारी में जुट सकते हैं, हालांकि हमने अभी मेंस का सिलेबस भी कवर किया है। आपके लिए पॉजिटिव बात यही है, जो हमारे साथ हमारे टॉपिक्स को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि इन टॉपिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, अगर आपको पसंद आता है या तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और PDF के लिए एग्जामिनेशन बुद्धा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।